संत कबीर नगर में कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर चार सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस फोर्स ने धरने को समाप्त करने की बात कही, जिस पर कांग्रेसी उग्र होकर पुलिस प्रशासन से झड़प करने लगे, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई। हालांकि पूरे मामले को देख SDM सदर SP सिंह ने कांग्रेसियों से ज्ञापन लेकर धरने को समाप्त करवाया। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के साथ, उससे पहले JNU के छात्रों के साथ, जिस तरीके से ये केंद्र की सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, उन छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, उसी के परिपेक्ष में हम जनपद संत कबीर नगर के कांग्रेस धरने पर बैठे हुए हैं। क्या रणनीति? देखिए, अगर उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उन घायल छात्रों को अगर मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं देती, उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का कांग्रेस का आंदोलन है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।